नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस लगातार आप तक वो मसले और वो मुद्दे पहुंचा रहा है जिनसे आपका सरोकार है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गुरुग्राम के अंदर जिला परिषद के जो चुनाव है वो काफी रोमांचक जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण में जो है वो गुरुग्राम में मतदान होगा जिला परिषद के लिए, और जो 9 तारीख है 9 तारीख को यहाँ पर जो है मतदान किया जाएगा। हर उम्मीदवार अपनी अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि किसी तरीके से वोट बैंक जो है वो किस तरीके से मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे कि वो जो है अपनी चौधर जो है वो ले सके। और इसी के चलते फिलहाल हम वार्ड नंबर 1 के ही साचोली गांव में आज फिर से मौजूद है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि साचोली गाँव में एक बार फिर से हम मौजूद है, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ उम्मीदवार है वो जो है वो पहुंचे हैं, और यहाँ साचोली के जो लोग हैं उनसे समर्थन मांगने के लिए, और यहाँ लोग जो है उनको समर्थन देते हुए भी जो है वो नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार रवि खटाना है उनको मजबूत किया जाए और उनका जो वोट बैंक है उसको मजबूत किया जाए, जिसके जरिए जो रवि खटाना है वो जीत हासिल कर सके। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से जो आप रवि खटाना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मकसद क्या है, मुद्दा क्या है? देखिए मैम, हमारे रवि खटाना जी, पहले सबसे पहली बात तो हमारा पूरा काम एक हाथ से रवि खटाना के साथ। मकसद हमारा यही है कि क्षेत्र में जो अभी तक किसी ने विकास की नहीं सोची, क्षेत्र में आपसी भाईचारे को बांटा हुआ है, उस भाईचारे को एकता में लाने का हमारा सबसे पहले मुद्दा है। सबसे दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में कोई शिक्षा के लिए किसी भी कैंडिडेट ने आज तक, जब से बनते हुए आए हैं, किसी भी कैंडिडेट ने आज तक शिक्षा के लिए कोई कॉलेज या कोई स्कूल या कोई खेल ग्राउंड स्टेडियम के लिए, सब बन जाते हैं और अपनी अपनी पार्टी में जाके समझा दिए। ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, इसका सबसे बड़ा जो है जनाधार है हमारे क्षेत्र में, हमारे पास सारी 36 बिरादरी की वोट है, इसलिए हमने अपना मुद्दा ये बनाया है कि भाई शिक्षा का अभाव सबसे पहले हो क्षेत्र में। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि रवि खटाना जो है, जो ये शिक्षा का अभाव आपने बताया, क्या उसको जो है शिक्षा को बेहतर कर पाएंगे? देखिए सबसे पहले तो ये है कि शिक्षा के लिए ही सबसे पहले लड़का जो है रवि खटाना BA LLB है, जो खुद बच्चा खुद कैंडिडेट BA LLB है, बाकी 10वीं 12वीं ऐसे पढ़ के जो वहाँ तक कहाँ तक पहुँचेंगे, तो शिक्षा का अभाव सबसे पहले उसने अपना करियर बना के खड़ा हुआ है, उसी को सोचते हुए ही उसने आगे इस राजनीति में कदम उठाया है। यहाँ पे मतलब वही कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट है और इसी वजह से जो है उसको कैंडिडेट जो है वो बनाया गया है। आप इसी गांव के? हाँ जी, इसी के। तो कैसा लग रहा है और क्या रवि को किस तरीके से समर्थन देते हैं? समर्थन का जो भी कोई आ रहा है सबको समर्थन देना पड़ रहा है। तो वोट किसको दे रहे हैं? वोट भी या को बहुजन पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को। बिल्कुल, कह रहे, इनका कहना है कि आ सब रहे हैं लेकिन हमारा वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। आप क्या कहोगे? बिल्कुल जी, पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है बहुजन समाज पार्टी का। जैसा कि अभी इन्होंने ही कहा कि लोग आ सब रहे हैं लेकिन वोट जो है वो किसको है? वोट बहुजन समाज पार्टी को है। वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को है। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे बात करने की जो कोशिश है वो रहेगी। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, इसी गांव के। तो लोग वोट मांगने के लिए तो बहुत आ रहे हैं, मौसम चल रहा है क्योंकि अब वो है सीजन के जो मेंढक है ना, मौसमी मेंढक है ये सभी, तो सब आएंगे। तो आप कौन से मेंढक को चुन रहे हो? ऐसा ये मेंढक तो हर साल ऐसे पाँच साल के बाद में ऐसे ही आते हैं और आश्वासन सबको दे जाते हैं मगर काम कोई नहीं करता। तो इस बार क्या सोचा है, क्या किसके आश्वासन पर भरोसा जता रहे हो? तो अब पहली बार ये आए तो अब इनका ही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार आए हैं और इनका मानना है कि अगर देखते हैं इनका कैसा जो रुझान है वो रहता है और ये किस तरीके से जो है जनता की जो सेवा है वो करते हैं। तमाम तरीके की जो उन्होंने असमंजस है, तमाम तरीके की जो बातें हैं वो उन्होंने यहाँ पर बता दी हैं, अपने मुद्दे बता दिए हैं, अपने एजेंडे बता दिए, अपनी जो उनके अनुसार जो बात होनी चाहिए वो जो है वो बता दिए हैं। गाँव की बेहद चर्चित लाला खेड़ली, क्योंकि लाला खेड़ली इस बार जो है दिखा रहा है कि वो एक है और एक भी वोट जो है वो गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। तो लाला खेड़ली के बेहद चर्चित फेस जो सच्चे हैं वो हमारे साथ है। सच्चे जी, किस तरीके से देखते हैं इस बार चुनाव को, आपने उम्मीदवार उतारा है, जीत हासिल कर पाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करूँगा कि आपने जो यहाँ सासौली गाँव में पहुँच कर और हम लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और भाई रवि खटाना के आपने सुनी लिया होगा,
और रही मैं गांव की बात, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गांव लाला केली ऐतिहासिक गांव रहा है। इस गांव ने जो भी निर्णय लिया, वो निर्णय चाहे बड़ी चुनाव की बात हो या छोटे चुनाव की बात हो, गांव लाला केली हमेशा एकता के सूत्र में बंधा हुआ गांव है। और इस बार भी पंचायती उम्मीदवार के तौर पर भाई रवि खटाना को पूरी सपोर्ट करके इन्होंने मैदान में उतारा है। और इस चुनाव की जो सबसे बड़ी खासियत है, मैं आपको वो बता दूं कि शुरू से लेकर जिस दिन ये चुनाव की रूपरेखा रची गई, रवि खटाना पूरे वार्ड नंबर एक में एक ऐसा उम्मीदवार है जो दो टिकट लेकर के मैदान में उतरा है। सबसे पहली टिकट अगर हम बात करें तो गाँव लाला खिल्ली, जो कि 2000 वोट का एक अपने आप में वचरसव रखता है, पूरा पंचायती उम्मीदवार के तौर पर इसको एक टिकट दिया गया है। दूसरा टिकट 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है। आप सभी लोग चर्चित हो कि राष्ट्रीय पार्टी है, इस पार्टी में किसी प्रकार की कुछ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी पार्टी के बल पर बहन मायावती जी ने, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कई बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के भी पूरे क्षेत्र की 36 बरादरी की आवाज़ उठाने का काम किया है। बिल्कुल, यहाँ पे इनका कहना है कि रवि खटाना को केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की टिकट नहीं मिली है, बल्कि लाला खेडली की तरफ से 2000 वोटों का जो वोट बैंक है वो लाला खेडली के पास है, और उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से जो है उनको हरी झंडी दिखा दी है। यहाँ बादशाहपुर तैठड़ नरेश सरपंच हमारे साथ मौजूद है, ये जो है वार्ड नंबर एक में ही आता है गाँव। तो नरेश जी, किस तरीके से, क्या क्वालिटीज देखते हैं रवि खटाना भी, जो इस बार आप उनके साथ हैं और उनके लिए खुद वोट मांगने के लिए गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सच्चे भाई ने बताया कि जो कैंडिडेट हमने लेके आए हैं, इसमें एक तो सबसे पहली चीज़ है कि युवा है, और युवा होने के नाते एक युवा में जो अपना संगठन है वो बना हुआ है। दूसरी चीज़ ये शिक्षित उम्मीदवार है, और शिक्षित उम्मीदवार की एक सोच होती है कि अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर, विकास कार्यों के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले शिक्षा की बात आती है। तो शिक्षा, वो खुद शिक्षित है तभी वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, और शिक्षा में वो खरे उतरेंगे। और सभी गांव से भी, लाला खिल्ली से भी, और मेरे बाद सब टैठड़ गांव है, पूरा एक हाथ से समर्थन मिला है कि एक हाथ से वोट डलेगी। और इसी तरह से अड़ोसी पड़ोसी सारे गांवों से समर्थन मिला। आज हम साचौली गांव में भी पहुंचे, साचौली गांव में भी हमें बहुत अच्छा स्वागत मिला है, समर्थन मिल रहा है, और हर गांव में जहां भी जा रहे हैं अच्छा समर्थन के साथ में हमारा स्वागत हो रहा है। और उम्मीद करेंगे कि हमें बहुत ही ज़्यादा अंतर से मेरी जीत हासिल होगी, यही हम पूरे क्षेत्रवासी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सभी जीत। हर कोई जो उम्मीदवार है वो यही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो अपने जो बक्सा है, वोटों का जो बक्सा है उसमें जो है वो जमा कर सके। लाला खेडली के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, अब हालांकि पूर्व हो गए आप, लेकिन जब तक सरपंच नए मिल जाते हैं, जब तक सरपंच ही लगा लेते हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी क्या लगता है कि लाला खेडली तो एक है, और कहां कहां से वोट बैंक जो है वो मजबूत कर पाएंगे, और साचोली की बात करें तो साचोली से कितना वोट बैंक मजबूत होगा? देखिए शिवानी जी, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने गाँव की तरफ से बताता हूँ कि हमने 2-3 दिन होके अपने गांव को एकजुट किया है और पंचायत की है कि हम अपने गांव को, पहले अपने गांव को गांव से मजबूत होके चले। तो हमने पूरे गांव की एक पंचायत करके ना, अपने पूरा गांव इकट्ठा करके एक हाथ से मोहर लगेगी, किसी को एक वोट नहीं मिलेगी गांव की तरफ से। तो हमने ये किया, फिर हम टैठड़ बादशाहपुर, जैसे नरेश सरपंच जी ने अभी बताया है, सच्चे भाई ने बताया है कि हमने टैठड़ बादशाहपुर में भी जाके अपनी पंचायत करी, क्योंकि हमारा पड़ोसी गाँव है, ऐतिहासिक गांव भी रहा है, वो अच्छे हमारे अच्छे संबंध भी है, हाँ जी अच्छे तालमेल भी है। उन्होंने, सरपंच साहब ने गांव में एकजुट होके पंचायत करके, हमने दोनों ने गांव ने दोनों गांव को इकट्ठा करके ना, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, और हमारे फूल मालाओं से और 51,000 रुपये की राशि दे करके सरपंच साहब ने हमारे गाँव को, रवि खटाना को समर्थन दे दिया जी। बिल्कुल, यहाँ पे आपने जैसा कि सुनी लिया है कि किस तरीके से जो लाला खेडली गाँव है, किस जो उम्मीदवार है, लाला खेडली के जो उम्मीदवार है रवि खटाना, उनको जो है लोग लगातार जो समर्थन है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका जो ये समर्थन है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रवि खटाना को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो बाबा हैं, इनको देखकर लगता है कि इन्होंने बहुत चुनाव देखे होंगे, क्या लगता है रवि खटाना कामगार है? ऐसा पहले तो रवि खटाना गांव से ही 2000 वोट लेकर चल रहा है, और वहाँ के बाद में जो है, जो हमें समाज ने बहुजन समाज ने जो यू हमारी टिकट दी है, या तो और ज़्यादा मजबूती हुई है, और जो हम कहीं जा रहे हैं 36 बिरादरी की वोट मिल रही है जी। और जो है आगे जो है ना, मतलब ऐसा है जी, जो हम बन जाएंगे
हमारे भाई बनेगा भी 100%, तो हम जो है शिक्षा या कोई और को जो काम काज है हम सारे में जी इन तक कह के आपको विश्वास है, विश्वास है जी पूरा बिल्कुल। यहाँ पर जो तमाम सरदारी यहाँ पर बैठी हुई है सभी को ये विश्वास है कि इस बार जो है वार्ड नंबर एक में बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है वही यहाँ पर रहेगा और बाकी जितने भी उम्मीदवार है वो सभी के सभी वही पानी में रह जाएंगे और इस बार जो है हाथी ही जो है वार्ड नंबर एक में अपना अपनी शान से रह पाएगा, अपना राज जो है वो कर पाएगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर वार्ड नंबर एक के अंदर कौन जो है यहाँ पर राज करेगा, कौन यहाँ पर ताज पहनेगा और कौन जो है वो वार्ड नंबर एक की शान बनेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के जितने भी लोग हैं मैं उनसे बात कर सकूं। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9643107600।